बागमती में उफान थमने के बाद अब मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक उफनाने लगी है। शहर के निचले इलाकों पर पानी का दबाव बढ़ गया है। जीरो माइल स्थिति अय्यापुर थाने में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। अय्यापुर थाना परिसर में पानी घुसने से पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी की स्थिति रही। वहीं सिकंदरपुर मुक्तिधाम के सटे नदी किनारे के झुग्गी झोंपड़ियों पर पानी चढ़ गया है। झील नगर और कर्पूरी नगर का भी यही हाल है। अब अगर नदी का जलस्तर 3-4 फीट बढ़ा है तो पूरा इलाका डूबने लगेगा। बहुत स्थिति खराब है, खाने पर आफत है। इतना नमक न मिल रहा है, आदमी खाओ केना जीते। सब तरफ से पानी घेर ले है, कहूँ निकले के ना साधन है, कहूँ पैसे का साधन ना है। लोक लागल है से अलगे, सब तरफ से आदमी मर रहा है, कथी से जीते, कथी खतै। सरकार ना देखता है तो पब्लिक लोग केना जीते हैं। अब कौन गांव है ये? परसामा टोला है, नया गांव परसामा टोला। के गो सब घर डूब गए? हाँ, सब घर तो देखबे करे छी, डूबल है, चारों तरफ से पानी घेर ले है। वहीं दूसरी तरफ लखनदेई और मनुष मारा का पानी औराई और कटरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर तेजी से फैल रहा है। लखनदेई और मनुष मारा के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने से खतरा बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियों का पानी औराई की 16 पंचायतों के संपूर्ण चौर में फैल गया है। धरहरवा, रामपुर, नयागांव, राजखंड उत्तरी और दक्षिण समेत कई पंचायतों में करीब 150 से 2000 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जबकि 2 दर्जन पगडंडी और ग्रामीण सड़कें डूब गई हैं, और अय्यापुर थाना भी नदी के पानी की चपेट में आ गया है। लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लोगों को और ज्यादा पानी आने पर क्या होगा इसका डर सताने लगा है। हर साल पानी आवे, अभी आइयो आये मुखिया वार तो देखे अबे न करे। एक बार तो फिर के झाकी न पारे जना मुखिया न वार। थाना भी एमे है? हाँ, अय्यापुर थाना है। अच्छा, फिर अय्यापुर थाना है, कहाँ कोई देखे जे घर में सब पानी डूबे न मुखिया आवे छे न वार्ड आवे छे, कोई न देखे हो जे। इतना पानी खाने के दिक्कत है, पियो के दिक्कत है, कोई न आवे छे। फिर यहाँ पर तो थाना भी है, सारा पुलिस आता है जाता है, कभी जिप्सी या फंस जाता है, और कोई देखने वाला नहीं है। अगर ऊपर में है तो बगल में मार्केट है, वो रहने नहीं दे रहा है किसी का, सब डूबने जा रहा है। बगल में मार्केट है, देखे बुलेट है, किसी का रहने नहीं दे रहा है, झोपड़ी गंदा नहीं गाड़ने दे रहा है। पिछले बार पानी आ गया था? पिछले नहीं, ये 4 साल से पानी आ रहा है लगातार। पानी के लिए चापाकल नहीं है, एक चापाकल है, उसको भी मतलब कि हेड टूटा हुआ है, वो भी नहीं लगा रहा है, ना मुखिया ना वार्ड नंबर, किसी कोई देखने वाला नहीं है। थाना वाला सब हेल के आता है? थाना वाला भी सब हेल के आ रहा है। की नाम है अपने के? हमारा नाम हो गया सुरेश राम। वहीं सुपौल में नेपाली नदियों और लगातार बारिश से निर्मित विधानसभा क्षेत्र में आए बाढ़ में हजारों लोगों का घर जलमग्न हो गया है। इस आपदा की घड़ी में बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद के लिए सुपौल जिला युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीप कुमार आगे आए हैं। उन्होंने निर्मली विधानसभा क्षेत्र में राहत सामग्री का वितरण किया। निर्मली विधानसभा क्षेत्र के हजारों घर डूब चुके हैं, उन लोगों को राहत कार्य के लिए और लोगों को मदद करने के लिए युवा कांग्रेस तत्पर है। और अभी हम लोग बीच नदी में हैं, और जितने भी घर डूबे हुए हैं उन घरों को और उनके घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। सरकार से मेरा यही एक निवेदन है, और आगे आने वाले समय में जितनी भी सक्षम होंगे हम लोग, जितना भी हम लोगों का सामर्थ्य होगा, यहाँ की जनता के लिए, सुपौल जिले वासियों के लिए, जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको मदद करने के लिए युवा कांग्रेस हमेशा से आगे रहेगी। और फिलहाल अभी हम लोग, आप देख सकते हैं कि जो राशन सामग्री है, जो राहत सामग्री है, लेकर के हम लोग जा रहे हैं, और लोगों को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचे। हालांकि शहर के कई निचले इलाके में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, लोग परेशान हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष और सुपौल से सुभाष की रिपोर्ट।